नमस्कार, मैं बादल सीआरआई पंप का एसीएम सीरीज का एक जला हुआ मोटर पंप है, जो कि इसका पूरा कोयल जला हुआ है। आप देख सकते हैं तरह से पंचूरी तरह सहायता से इसको निकाल ले। उसके बाद इस तरह से आप उसमें निकालने के बाद पेपर डाल लें, जिसमें 24 सोलेट होते हैं, 1 से 6 में जाएगा और 4 सोलेट बीच में छूटेगा। ठीक है, तो इस तरह कोई तार लेके आप उसका साइज बना लें। 8 कोयल का 2 सेट है, 4+4 का 6, 8 और 10 और 12, इसमें ये तार लगेगा। और स्टार्टिंग कोयल में आपका 3-3 का सेट है, 6 टोटल। रनिंग में 525 ग्राम लगेगा और स्टार्टिंग में 400 ग्राम। आप देख सकते हैं इस तरह से वायर की सहायता से साइज मैंने निकाल लिया है। तो देख सकते हैं 8, 10 और 12 में 80 टर्न है स्टार्टिंग कोयल में, और रनिंग कोयल में 23 टर्न 6 में, और 8 में 51, 10 में 51 और 12 में 51। तो तार की सहायता से इस तरह से आप आराम से कोयल का साइज निकाल लें। 23 राउंड अब देख सकते हैं इस तरह से ये साइज अब बना लें। जो इसका स्लोट है तो हर स्लोट के थोड़ा नीचे से गुजरना चाहिए, क्योंकि ये तार इसमें लगेगा 21 नंबर का। तो देख सकते हैं उस वायर को जो कनेक्शन निकलाया उसको फार्मा में सेट करके 23 टर्न 6 में किया, 8 टर्न 51 में, और इसमें जो 10 नंबर का स्लोट है उसमें 51 टर्न, और 12 जो स्लोट है उसमें 51 टर्न। इस तरह से आपका अब 4 कोयल का सेट 6 वाली स्लोट पे डालते हैं, ये और वाइंडिंग हो गया। 4 जो होती है स्लोट इसमें छोड़ के 1 से 6 में डालेंगे, और डालने के बाद इसके ऊपर से ग्रीन सेट का पेपर डालेंगे ताकि इसके ऊपर से और कोयल आए। अगर आप प्लास्टिक का पेपर डालेंगे तो उसमें दूसरी कोयल आने में परेशानी होती है। और उसके बाद फिर जितने भी कोयल हैं उनको आप बारी बारी से इसी तरह से आप डाल सकते हैं, और किसी भी तरह का परेशानी हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपने किसी तरह से मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो बिल्कुल कीजिए, ताकि नई नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मिल सके। तो इस तरह से लेयर पेपर आप साइज से काट लें और दोनों साइड लगाएं। उसके बाद मैं आपको जो आगे बांधा हुआ दिखाता हूं, इसी तरह प्रोसेस से आप बारी बारी से कोयल को आप लगा सकते हैं। तो देख सकते हैं पेपर आप किस तरह से जा रहा है। अगर जाने में दिक्कत हो तो वायर को आप पकड़ लीजिए और लेफ़्ट हैंड से उधर से आगे से खींचिए, आराम से चला जाएगा। और इधर जो साइज है उसमें आप क्या कीजिए कि थोड़ा थोड़ा करके वायर डालिए, ताकि जाने में आसानी हो, स्क्रेच ना हो। अगर जाने में प्रॉब्लम और होगी एक साथ आप डालेंगे तब, और स्क्रेच भी होगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके आप डालिए, 2-4 तार कर करके डालिए, आराम से चला जाएगा, आपको परेशानी भी नहीं आएगी। ताकि आप कभी लेयर पेपर डालेंगे तो आगे पीछे करने में आसानी होगी, आराम से चला जाएगा, लेकिन आप एक साथ में सारे तार को डालेंगे तो परेशानी होती है। तो बारी बारी से करके